ठीक है, सो दे आर द सेम। समझ में आ रही? नहीं आ रही तो बताओ यार फिर। अगर आपको ये पूछा जाए कि जी पीक वैल्यू ऑफ द करंट निकालिए इंडक्टर के अंदर, तो वो क्या होगी? वो ये वाली हाइट आई लोड ओवर 1 माइनस डी प्लस हाफ ऑफ द आई एल डेल्टा आई एल बाई 2। और वो डेल्टा आई एल जो आप निकालेंगे वो आपके पास इससे निकाल सकते हो, वी एस अपॉन एल इंटू डी टी एस। ठीक हो गया? सो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ये जो डेल्टा आई एल बाई 2 है दिस इज वी एस ओवर एल इंटू डी टाइम्स टी एस। ये और अगर आप इसका आधा इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो यू कैन राइट डाउन के आई एल पीक वैल्यू इज गोइंग टू बी आई लोड ओवर 1 माइनस डी प्लस वी एस ओवर 2 एल इंटू डी टाइम्स टी एस। ये पीक वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट हो गई। जो डायोड या ट्रांजिस्टर दोनों में से गुजरेगी, ट्रांजिस्टर में से भी गुजरेगी जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑन होके ऑफ हो रहा होगा, ऑफ जब हो रहा होगा तो उस वक्त इसका करंट वही होगा जो ये पीक करंट होगा, और जब डायोड ऑन होगा तो वो ये वाला पीक करंट देखेगा जैसे कि हमने यहां देखा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायोड के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज कितना अप्लाई हो रहा है वो कितना आएगा? डायोड के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज उस वक्त आएगा जब डायोड ऑफ होगा, जब डायोड ऑन होता है, जब कंडक्ट कर रहा होता है उसके क्रॉस जीरो वोल्टेज या 0.7 आप जो कहते हैं। जब ये ऑफ होता है वो उस वक्त ऑफ होता है जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये पॉइंट नीचे जुड़ा हुआ होता है, जब ये पॉइंट नीचे जुड़ा हुआ होता है तो ये डायोड इफेक्टिवली आउटपुट वोल्टेज के क्रॉस पैरेलल जुड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब है कि जो डायोड का वोल्टेज है वो वी आउट होता है। ठीक हो गया? सिमिलरली जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, जिस वक्त ट्रांजिस्टर ऑफ होता है उस वक्त जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, वी नो दैट। When the diode conducts, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो जब अगर यहां पर V नॉट है तो यहां क्या होगा? यहां भी V नॉट होगा ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे। तो जब यहां V नॉट होगा तो ये ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उस पर V नॉट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डायोड जो मैक्सिमम ऑफ स्टेट में वोल्टेज देख रहा है वो भी V नॉट है। सो वी कैन से के द मैक्स वोल्टेज सीन बाय बोथ डायोड एंड ट्रांजिस्टर इज V नॉट। डेल्टा आई एल की ये वाली वैल्यू जी, आपने किसी पॉइंट से रेज करना शुरू किया था इस रेट ऑफ चेंज के ऊपर, और ये जो पोर्शन है जिसको हमने टॉ लिखा था, टॉ इज ऑल्सो इक्वल टू डी टाइम्स टी एस। इतनी देर के लिए आपने ट्रांजिस्टर को ऑन रखा है तो इतनी देर तक ये रैंप अप करती रहेगी। जब ये रैंप अप इतनी देर तक करती रहेगी तो जिसकी टर्मिनल वैल्यू है वो सिंपल दिस टाइम मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि वी एस अपॉन एल मल्टीप्लाइड विद डी टी एस, ये टोटल इंक्रीमेंट आएगा करंट के अंदर। ये सिर्फ चेंज इन द करंट है, ये इसकी यहां से हाइट नहीं है, ये यहां से हाइट। ठीक है ना? जब हम यहां से हाइट निकालना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर इसकी एवरेज वैल्यू को ऐड करना पड़ता है उस आधे के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है? दिस आई एल पीक इज इक्वल टू आई एल
पी आई मैं सॉरी गलत कह रहा हूँ आई एस पीक, आई एस पीक मैं जो कह रहा हूँ ना आई एस से स्विच, और स्विच से मुराद है दोनों ट्रांजिस्टर और डायोड, दोनों के अंदर जो पीक करंट फ्लो कर रहा है वो इतना ही है। तो अगर आप एक डिवाइस बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो यू हैव टू गेट अ डिवाइस जो कि दोनों जो इन्हीं करंट्स को और इन वोल्टेजेस को हैंडल करे। ओके नाउ लेट्स सी के अगर क्या ये करंट ये इसकी बाउंड्री वैल्यू कहाँ बनेगी जब ये पास ऑन कर लो, इसकी बाउंड्री वैल्यू कब बनेगी जिस वक्त तुम लोड के करंट को कम करना शुरू करते हो। जब लोड करंट कम होना शुरू होता है तो ये सिंपल आई लोड ओवर वन माइनस डी है, ये भी नीचे आना शुरू हो जाता है। जब लोड करंट कम होता है तो देयर कम्स अ पॉइंट जब ये चीज जीरो को हिट कर जाएगी, और जब ये जीरो को हिट कर जाएगी तो उस पॉइंट के ऊपर ये डीसीएम में चला जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड दैट बाउंड्री वैल्यू। ये बोर्ड बहुत छोटे हैं यार, ये पता नहीं इसके तो ये मैं बिठा दूं नीचे वाला है। आई जस्ट कीप दिस फिगर। सो व्हेन आई एम रिड्यूसिंग दिस वैल्यू आई एम सेइंग दैट आई लोड ओवर वन माइनस डी दिस व्हेन दिस बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा आई एल दिस इज द पॉइंट जब मैं बाउंड्री पॉइंट को हिट करता हूं। एग्री या नहीं है ना। अच्छा इसका ना एक बड़ा अच्छा तरीका किताब में इसने बताया था, लेट मी जी क्या हुआ क्या डिस्कशन है। जी ये एक्सप्रेशन नहीं समझा, ये एक्सप्रेशन ये जो इसकी एवरेज वैल्यू है इंडक्टर करंट ऐसे ऐसे कर रहा है इस ये जीरो से नहीं उठ रहा बल्कि जीरो से किसी ऊंची जगह से शुरू हो रहा है। ठीक है मैं इस एवरेज वैल्यू को कम कर रहा हूं, ये कम होते होते इस पॉइंट पे जब हिट करती है जब ब्लू वाली पॉइंट पे पहुंच जाती है तो इसकी एवरेज भी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां आ चुकी होती है, लेकिन इसकी जो एवरेज का रिलेशनशिप है वो यही रहता है आई लोड ओवर वन माइनस डी, ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है एज लॉन्ग एज कन्वर्टर कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में है। ये रिलेशनशिप सारे होल्ड करते रहेंगे जो हमने कैलकुलेट की अभी तक, ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में है। सो मैं ये कह रहा था कि जिस पॉइंट के ऊपर ये स्टेट अचीव करता है कि वो यहाँ जीरो को हिट कर जाए उस वक्त ये जो मिडल ये जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो इसकी पीक वैल्यू के आधे पे होती है। बल्कि शुरू में किसी बच्चे ने कहा भी था ना कि मैंने पूछा था कि इसकी एवरेज क्या है तो आपने किसी ने कहा था कि इसके आधे के बराबर है पीक के आधे के। इफ इट इज अ ट्राइंगुलर वेव विच इज हिटिंग डाउन टू जीरो तो इसकी जो पीक होती है उससे आधा करो तो उसका एवरेज आ जाता है। तो ये मैंने लिखा है हाफ ऑफ डेल्टा आई एल, डेल्टा आई एल कह लीजिए या इसको आई एल पीक कह लीजिए, इस केस में वो दोनों एक ही होंगे बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली ट्राइंगुलर वेवफॉर्म।
और ये जो चीज़ है 1/2 इंटू वी एस एल डी टी एस है, ये वी एस अपॉन एल, ये चीज़ है ना, यहाँ से अगर मैं इस 1-D को उधर ले जाऊँ तो मैं लिख लेता हूँ आई लोड कॉमा बाउंड्री, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है जिसके ऊपर ये जाके हिट करके, विच इज इक्वल टू 1/2 वी एस अपॉन एल इंटू डी इंटू 1-D इंटू टी एस। अगर आपको बक कन्वर्टर का फॉर्मूला याद हो, उसमें भी ये वही चीज़ है जिसको हम आई ओ बी कहते हैं, आई ओ कॉमा बी, दिस इज इक्वल टू वी एस अपॉन 2L डी इंटू 1-D इंटू टी एस। ये वही चीज़ है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो दोनों जगहों पे चलता है। अगेन अगर मैं कहूं कि इस चीज़ को अगर आप अगेंस्ट अस्यूमिंग कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जो टिक वाले हैं ये कांस्टेंट हैं, देन इफ यू टेक अ डिफरेंशियल ऑफ आई ओ बी विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूटी साइकिल डी, ये सब कांस्टेंट्स गायब हो जाते हैं, so you are left with 1-2D, ठीक है, ये d square है ना, so this becomes 2D, वन माइनस टू डी, और ये बाकी ये मल्टीप्लायर जो भी बचेगा इसके साथ क्या बचेगा, वी एस टी एस अपॉन 12। And if you equate this equal to zero, इस चीज को तो आप you can forget about it, so you get d is equal to half for max max IOB, ठीक है, ये वही बात है। रिपल करंट भी यही चीज थी, रिपल करंट, दिस इज नथिंग बट द रिपल करंट, आईओबी भी वही चीज थी, और इसकी जो मैक्स निकलती है वो 50% ड्यूटी साइकिल के ऊपर निकलती है। जब अगर आपका ये कन्वर्टर 50% ड्यूटी साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है, आधे टाइम के लिए ये ऑन होता है, आधे टाइम के लिए ऑफ होता है, उस वक्त जो इसका करंट का रिपल है वो अपने मैक्स वैल्यू के ऊपर होता है, और उस वक्त जो आई ओ बी है वो भी अपनी मैक्स वैल्यू के ऊपर होता है। आप लोगों को वो पिछली दफा मैंने पहला वाला प्रॉब्लम उठाया था याद है, उसमें मैंने एक यू करके कर्व बनाई थी, ये वही कर्व है। अगर आप इस एक रिलेशनशिप को सिंपल प्लॉट करते ना तो वो प्लॉट जो है वो यही वाला बनता है, डी के इधर डी चल रहा है, ये 1 है, ये 0.5 है, ये 0 है, और ये जो है ये आई ओ बी की या डेल्टा आई एल कर रिपल का प्लॉट है। ठीक हो गया जी, बताइए डेल्टा आई को आपने कहा बी एस इन्वर्टर ये वाला, अच्छा पहले बात आपको डेल्टा आई एल क्लियर है कि वो क्या है, डेल्टा आई एल क्या है, डिफाइन डेल्टा आई एल पीक टू पीक रिपल। ओके, पीक टू पीक रिपल हम ऐसे निकालते हैं कि जो साइकिल में मिनिमम पॉइंट है और जो साइकिल में मैक्सिमम पॉइंट है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। सो साइकिल का पीक पॉइंट ये है, साइकिल का मिनिमम पॉइंट ये है, हम इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा आई एल कह देते हैं। तो वो ये है,
ये हाई डेल्टा आई एल है जैसे ड्रॉ की गया, इसमें तो कोई नहीं ना इफ इफ बट ये जो हाइट है ये इसके स्लोप और इस टाइम से आप कैसे निकालेंगे? आपको ये मालूम है कि इस लाइन का ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है। तो गिवन दीज टू थिंग्स कैन नॉट यू फाइंड द हाइट इट हैज अचीव्ड? स्लोप ऑफ द लाइन नहीं पता? ये लिखा हुआ है एक्चुअली, स्लोप ऑफ द लाइन पता है, स्लोप ऑफ द लाइन पता है, इस टोटल ये टाइम का पता है जो कि मैंने पहले टॉ यहाँ लिखा हुआ था विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी टाइम्स टी एस। ये दोनों चीज़ें, ये टाइम को ज़रब दे दीजिए आप सिंपल स्लोप के साथ तो यू गेट द हाइट अचीव्ड विच इज नथिंग बट द इंटेग्रल ऑफ द डेरिवेटिव। इफ यू इंटीग्रेट द स्लोप ऑफ द लाइन, आपकी इक्वेशन जो होती है क्या होती है, एम टी लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो ये चीज क्या है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आती है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम, एंड इफ आई पुट एन इंटीग्रल इंटीग्रल डी एक्स के हिसाब से, सो दिस इंटीग्रल विल यील्ड y इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू द करेंट टाइम टी एम डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू टी। दिस यील्ड्स सी एंड दिस यील्ड्स एम एक्स। सो सी जो है जब ये पॉइंट हमने बीच में से गायब भी कर दिया तो कॉन्स्टेंट या जो उसका इंटरसेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। वी आर ओनली कंसर्न विद कि अगर वो जीरो से शुरू हो रही होती तो कहाँ तक कितनी हाइट अचीव कर। क्लियर है? ओके जी, ये बेटा ये अस्यूम नहीं किया हमने, ये तो सिंपल डिफरेंट नोटेशंस है ना। आप जनरली स्पीकिंग अगर आप अगर कोई रिपेटिटिव वेव फॉर्म नहीं है, अगर रिपेटिटिव वेव फॉर्म हो तो फिर हम नॉर्मली ना डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जी इतनी देर के लिए ऑन होती है इतनी देर के लिए ऑफ होती है। अगर डी कांस्टेंट नहीं है, डी हर दफ़ा चेंज होता है, तो हम ये कह देते हैं कि जी इसका जो ट्रांजिस्टर का ऑन टाइम है वो टॉ सेकेंड्स है आउट ऑफ ए टोटल ऑफ टी एस सेकेंड्स, जिसके बाद फिर वो टॉ सेकंड के लिए ऑन होता है। अब ये टॉ जो है ये छिल रहा है, मे बी ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। वो याद है तुम्हें मैंने बताया था एस ऑफ टी स्विचिंग फंक्शन इक्वल्स टू वन एंड जीरो फॉर टी बिटवीन जीरो एंड टॉ एंड फॉर एंड टी एस। याद है ये चीज? इसी चीज को मैं इस तरह लिखता था बिटवीन टी डी टी एस एंड बिटवीन डी टी एस टू नहीं टी एस सिंपल टी एस तक आप चले जाते तो इस पे पीरियड वन माइनस डी टी एस बनता। तो ये सिर्फ नोटेशनल डिफरेंसेस हैं, चीज एक ही है। ठीक है, आपकी किताब यहां पे टॉ यूज करती है। अच्छा, अब ये टॉ कहां ज्यादा यूजफुल हो जाता है? ये टॉ वहां ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप थोड़ी सी देर के लिए जीरो पे रहना शुरू कर दें। मसलन आपकी जो करंट है वो इस तरह आई हो और यहां पे रही हो फिर यहां से उठी हो। अब इशू ये हो जाता है कि आपका जो टी एस है वो नया वाला यहां बन जाता है, टी एस यहां से रिपीट होता है। यू कैन स्टिल कीप कॉलिंग इट डी, देयर इज नो हार्म इन दिस बीइंग कॉल्ड डी। मसला सिर्फ ये है कि अब आपको ये एक नया पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट के बाद करंट थोड़ी देर के लिए जीरो पे रहती है। इस चीज को आपको कोई नया नाम देना पड़ता है। ठीक है,
ठीक है। तो अब वो किताब इसके लिए मुझे अब याद नहीं है, मेरा ख्याल है वो इसके लिए शायद डेल्टा यूज कर रहा है या कुछ इस तरह का टर्मिनल वो यूज कर रहा है, नोटेशन यूज कर रहा है। इसको वो टॉ कह देता है, इसको वो शायद डेल्टा कह देता है, इसको वो कुछ और कहता है। सो इट्स देयर इज नथिंग न्यू, इट्स जस्ट अ डिफरेंट नेम फॉर द सेम थिंग। ओके, अच्छा जी। सो नहीं अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, मुझे सोच लेने दो। पहले मैं पहले ये सोच लूँ कि हमने किया क्या क्या है। हम लोगों ने ये किया है कि अगर ये सर्किट दिया हुआ है आपको, आप मुझे ये बता सकते हैं कि इंडक्टर में किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर इंडक्टर के ऊपर जो करंट है इंडक्टर के अंदर से गुजरने वाला वो कितना होगा। दिस आई एम अस्यूमिंग दैट आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स। इंडक्टर के अंदर एवरेज करंट कितना होगा, इंडक्टर में पीक करंट कितना होगा, यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट। ट्रांजिस्टर में मैक्सिमम करंट कितना होगा, ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, डायोड का मैक्सिमम वोल्टेज, डायोड का मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। इनपुट का करंट आप बता सकते हैं, यस। और आप क्या बता सकते हैं, एक जो आखिरी चीज़ रह गई है, हाँ, आपको अगर मैं ये दूसरा तरीका यह कि मैं आप ये एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं, अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि जो मैक्सिमम पीक टू पीक रिपल है ना, ये जो रिपल है डेल्टा आई एल, इसको लिमिट करने को कह जा रहा है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जी ये 2 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस सूरत में आपने इंडक्टेंस को की वैल्यू चूज़ करनी है, तो आप इंडक्टेंस की वैल्यू भी चूज़ कर सकें अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें आप कर पाएँ। एक आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आप कैसे चूज़ करेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या रोल प्ले कर रही है उसको ज़रा देख लें एक दफ़ा। मैं ये पहले सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर से गुजरने वाला करंट बनाएं। कैपेसिटर से जो गुजर रहा है करंट वो जरा दिखें, वो कैसा है उसकी शक्ल। कैपेसिटर में आईडी, इधर से आने वाला आईडी है, वो हमने अभी बनाया था और डिलीट कर दिया। आईडी माइनस आई लोड, सो मैं इसको कह रहा हूं आईसी इज इक्वल टू आईडी माइनस आई लोड। अब आई लोड को मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि वो रीजनेबली कांस्टेंट है। मैं दोबारा से अगर याद करूँ, जो अभी मैंने डायोड का करंट बनाया था तो वो ये पोर्शन था। अगर मैं इस पोर्शन में से आउटपुट का करंट माइनस कर दूँ, अभी मुझे ये भी पता है कि आउटपुट का करंट इसमें कहाँ था, याद है। इसकी जो ये वाली हाइट थी ये मुझे मालूम थी, ये थी आई लोड ओवर आई डी 1 माइनस डी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये एक मिनट के लिए जीरो एक्सिस को भूल जाओ, ठीक है। एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ कि ये क्या है। फिलहाल सिर्फ ये याद करो कि ये करंट था वही वाला जो हमने ये देखा था, ठीक है। ये करंट वही है ना, अगर मेरा जीरो एक्सिस जो है ये ब्लू लाइन है। अब मैंने इसको एक सर्टन ऑफसेट के साथ इस पूरी करंट को नीचे शिफ्ट कर दिया, और वो मैंने कितना नीचे शिफ्ट कर दिया, मैंने आई लोड डिवाइड माइनस कर दिया। अब इसको एक और जो तरीका है इसको सोचने का, वो ये है कि मुझे ये मालूम है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी होती है, जीरो। इसका क्या मतलब है कि ये इतना नीचे शिफ्ट होना चाहिए कि जो इसका इंटीग्रेटेड एरिया यहाँ और यहाँ है वो बराबर होगा, ठीक है ने? इसका जो इंटेग्रल है ना यहां से यहां तक, उसको जीरो होना चाहिए,
जिसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के ऊपर एरिया जा रहा है ना वो इक्वली होना चाहिए। मसलन ये अगर मैं हैच कर दूं और ये पोर्शन जो थोड़ा सा नीचे आ रहा है ये दोनों अगर मैं सम करूं और मैं इस एरिया को सम करूं तो ये दोनों इक्वेट होने चाहिए। ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, ठीक है। अच्छा अब ये लगता है मुश्किल है ये वाला पार्ट, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने का क्विक तरीका क्या है। ये मैंने आपको बताया कि ये लोड करंट है, ये मैंने आपको बताया ना आई लोड माइनस हो रहा है, ये कितना नीचे शिफ्ट किया है, लोड करंट नीचे शिफ्ट किया है। जिस वक्त ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो ये ट्रांजिस्टर ये एग्जिस्ट नहीं कर, ये ऑफ होता है। जब ये ऑफ होता है तो लोड सिर्फ कैपेसिटर से जुड़ा होता है, ये वो पोर्शन है जब लोड जो है वो सिर्फ कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। जब कैपेसिटर लोड का फुल करंट दे रहा है, ठीक है, एग्रीड। अब देखो कितना आसान हो गया काम, इस पूरे पोर्शन इसकी लेंथ क्या है, डीटीएस। इस डीटीएस टाइम के लिए आई लोड करंट एक सर्टन कैपेसिटेंस सी में से गुजर रही है, कितना वोल्टेज रिपल बनेगा, डेल्टा वी ऑन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन सी, डेल्टा क्यू अपॉन सी विच इज इक्वल टू डेल्टा, अगर तुम याद हो डेल्टा क्यू क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ द करंट, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम इज डेल्टा क्यू। सो दिस करंट आई लोड मल्टीप्लाइड विद डीटीएस डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, दिस इज योर रिपल, इट इज वेरी सिंपल। इन दिस केस ये जो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन है फॉर द बक कन्वर्टर थोड़ी सी ज्यादा कंबरसम होती है, लेकिन इसके लिए कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन बहुत क्विक होती है, क्योंकि इसने कंप्लीट करंट को सपोर्ट करना होता है जिस वक्त ये स्विच ऑफ होता है। जब ये स्विच ऑन होता है तो यहां पे चार्जिंग हो रही होती है और ये डिस्चार्जिंग हो रही होती है। सो कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे कंटिन्यूसली नीचे आ रही होती है, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस वोल्टेज क्विकली ऊपर जाती है, सॉरी कुछ ऐसे करके ऊपर जाती है। ये कुछ इतनी खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन ये कैपेसिटेंस वोल्टेज इस रीजन में कंटिन्यूसली नीचे आएगी, लीनियरली नीचे आएगी, और इस रीजन में ये चार्जिंग करंट फ्लो करेगी तो वो उसको दोबारा से वापस चार्ज करेगी, और जिसको हम डेल्टा वी कह रहे हैं वो यहां से यहां तक का ये रिपल है। ठीक है, सो नाउ यू नो कि कैपेसिटेंस क्या रोल प्ले कर रहा है। कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी करोगे तो ये रिपल नेचुरली कम हो जाएगा, यू कैन सी दिस। कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी कर दो उसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है, सही है। डेल्टा वी सी क्या लिया हुआ है, डेल्टा वी सी बेटा ये हाइट है जो कि इसके मिनिमम पॉइंट से इसकी मैक्सिमम पॉइंट की जो रिपल बनता है ना, आउटपुट वोल्टेज का जो रिपल है, कैपेसिटेंस की वोल्टेज ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती है हल्की हल्की, उसका जो मैक्सिमम रिपल है वो डेल्टा वी सी है। एक तो उसकी स्टेशनरी वैल्यू है ना, उसकी जो एवरेज वैल्यू तो वी आउट के बराबर है, वो तो हमें पता है, सही है। सो नाउ यू नो द बूस्ट कन्वर्टर। होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों का एक क्विज लूंगा, छोटा सा क्विज करेंगे, और इंशाल्लाह द नेक्स्ट कन्वर्टर जो है वो बक बूस्ट कन्वर्टर है, वो उसकी बात करेंगे।
ठीक है। और अगर कोई सवाल होंगे तो वो आप ले आए, मैं इस बोर्ड के ऊपर करवा भी दूंगा। अगर कोई प्लीज़ काइंडली गो थ्रू एंड प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड। जी जी, क्वेश्चन थ्री में इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज़ की, इसी चैप्टर के क्वेश्चन थ्री में। अच्छा, ये सवाल था क्वेश्चन नंबर थ्री में, ये कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी इंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस इसने कोई बताई है, नहीं नहीं सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस बताई है, दैट मींस के कुछ इस तरह की चीज़ है। आपकी जो बैटरी है वो इक्विवेलेंटली एक रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई, और यहाँ पे वो बक कन्वर्टर का स्विच है, इस तरह की चीज़ है। तो मतलब यहाँ पर R इज इक्वल टू 0.1 ओम्स ये लगी हुई है, राइट, ये चीज़ है। अब इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द ड्यूटी रेशियो डी, इसको ये अभी छोड़ दो, ये सवाल टेढ़ा है। ये सवाल इस तरह जो है ना, ये एग्जैक्ट अगर करना चाहोगे तो ये मुश्किल है। नहीं छोड़ू,